चलो देखो मेंसुरेशन का पाठ 37 उदाहरण 8 यानी इससे पहले 7 उदाहरण मेंसुरेशन में हो चुका है, इसका अर्थ ये हुआ। अभी जो पिछले पार्ट में तुम लोगों को ये बतलाए हैं, आकार बदल जाने से आयतन नहीं बदलता है। एक गांव घर में देखना, गेहूं का रोटी किसी को बनाना है तो मान लो आधा किलो आटा पानी में मिला करके उसका बनाओ पूरा गोला, तो उसका जो आयतन होगा उसी गोला को तू चार भाग में बना करके चार छोटा छोटा गोला बना लो, तो चार छोटे गोले का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन होगा ना। इसमें है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से, मॉडल बनाने वाली मिट्टी किसको कहते हैं, जिस मिट्टी से हम लोग मूर्ति बनाते हैं, तो मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। तो मॉडल बनाने वाली मिट्टी से कितने ऊंचाई का शंकु है, तो 24 सेंटीमीटर। शंकु के आधार की त्रिज्या जो वृत्ताकार होता है 6 सेंटीमीटर है। तो मॉडल बनाने वाली मिट्टी से शंकु का निर्माण किया गया, तो मान लो ये शंकु हो गया। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ये AO ऊंचाई हो गया, और आधार त्रिज्या, आधार मतलब नीचे वाला वृत्ताकार भाग का त्रिज्या OC 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक शंकु का निर्माण किससे किया गया है, तो मॉडल बनाने वाली मिट्टी से यानी गीली मिट्टी से एक शंकु बना लिया। ये खोखला शंकु नहीं है, ये पूरा मिट्टी से बनाया गया है, तो भीतर में भी मिट्टी भरा हुआ है और शंकु नुमा आकृति है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, गीली मिट्टी का शंकु बनाया, कोई बच्चा आया इधर से इसको पूरा मतलब लेकर के हाथ से पूरा एक गोला बना दिया, गीली मिट्टी का शंकु है तो हाथ से इसको एक गोले का आकार भी दे सकते हो ना, बेलन का आकार भी दे सकते हो मिट्टी को ऐसे ऐसे करके बेलनाकार। तो एक बच्चा आया और शंकुनुमा मिट्टी का जो ये मॉडल है, शंकु जैसा मिट्टी वाला मॉडल, तो गीली मिट्टी से बनाया गया है। एक बच्चा आता है इसको लेकर के पूरा एक गोला बना करके छोड़ देता है, तो कहता है गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो आकार बदल जाएगा मिट्टी वाला शंकु का, लेकिन आयतन तो नहीं बदलेगा। आकार बदल जाने से आयतन नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। तो इसका अर्थ है इस शंकु मॉडल बनाने वाली मिट्टी से बने शंकु का आयतन बराबर बच्चे के द्वारा इस शंकु को गोले बना मतलब बच्चे के द्वारा बनाए गए गोले, इसी शंकु का जो गोला बनाया, तो बच्चे के द्वारा बनाए गए गोले का आयतन लिख सकते हैं।
देखो चित्रूत्र भी इसमें नहीं है बनाना पड़ेगा। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से जो शंकु बनाया गया है ये शंकु, तो मिट्टी के शंकु का आयतन, इस मिट्टी के शंकु का आयतन बराबर बच्चे के द्वारा शंकु से बनाए गए गोले का आयतन। बच्चे ने इसी शंकु को गोला बना लिया, तो बच्चे के द्वारा शंकु से बनाए गए गोले का आयतन दोनों समान होगा। तो शंकु का आयतन कितना होता है, जैसे शंकु की त्रिज्या, देखो त्रिज्या दोनों में आएगा, शंकु की त्रिज्या को मान लो आर वन तथा गोले की त्रिज्या इसको मान लो आर टू। तो शंकु का आयतन बराबर शंकु से बनाए गए गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना होता है बोलो, वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच। तो ये शंकु का आयतन, तो शंकु की त्रिज्या को आर वन माने, तो देखो पाई आर वन स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन। तो गोला का आयतन होता है फोर बाय थ्री पाई आर क्यू, तो गोला का त्रिज्या आर टू माने है, तो पाई आर टू का क्यू पहले समझते जाओ इतना होगा। ये अब हमको वैल्यू बैठाना है, वन बाय थ्री पाई दोनों में कॉमन है, देखो क्या क्या कॉमन है, आर वन का होल स्क्वायर एच ये रहने दिए, तो तीन तिरछा गुना में चला जाएगा, इक्वेशन सब जान रहे हो, फोर बाय थ्री पाई आर टू का क्यू ये आर वन का होल स्क्वायर एच, तो ये तीन तिरछा गुना में ऊपर आ गया, आ गया, और ये पाई नीचे आ जाएगा, बोलो ऐसा होगा। तीन आ तीन कट गया, पाई और पाई कट गया, तो आर वन का होल स्क्वायर एच बराबर चार, खाली चार बच रहा है, फोर आर टू का होल क्यूब, फोर इतना ही है। अब वैल्यू बैठाएंगे, दिया हुआ है शंकु का आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर,
तो शंकु की त्रिज्या को हम लोग आर वन माने हैं। ये आर वन दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, यहीं पर लिखेंगे 6 cm। और मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, शंकु का हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है ना, तो आर वन का मान हो गया तुमको 6 सेंटीमीटर, तो 6 cm का होल स्क्वायर। ये एच क्या है बोलो तो, एच आया है किसके लिए, तो ये शंकु के आयतन में एच आया है, तो शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर है ना, तो 24 cm बराबर 4 r² का होल क्यूब। r² ये हम लोगों को गोले की त्रिज्या माने हैं, r² इसे ज्ञात करना है। तो ये हो गया तुमको 6 cm का होल स्क्वायर 36, 8 cm का होल स्क्वायर वर्ग 6 cm, देखते जाओ कैलकुलेशन, गुने 24 cm बराबर 4 r² का होल क्यूब। चलो इसको उतारो तुम लोग, क्वेश्चन हम लोग को लास्ट वाला आया है, इसको भी मिटा ही देते हैं। लास्ट में आया है 36 वर्ग सीएम, देखो इधर इतना बराबर, बराबर के आगे वाला को पहले लिख दिया, पहले वाला को आगे तो कोई बात नहीं, 4 r² का होल क्यूब। बराबर इतना है ना जितना लिखे है, और r² होल क्यूब बराबर 36 वर्ग cm गुने 24 cm, ये तार नीचे आ जाएगा, तार 36 और r² का होल क्यूब बराबर 36 गुने 6, देखो 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुने 6 गुने ये 6, वर्ग cm को क्या लिखेंगे, cm गुने cm, एक तो ये cm, इसको समझा, ये हो गया r² का होल क्यूब बराबर 6 ले लो cm ले लो, 6 cm 3 बार है ना, तो घातांक पढ़ा है ना, जैसे a³ बराबर b³, अगर पावर समान हो तो नीचे वाला दोनों समान हो जाते हैं, तो इस तर्ज पर पावर 3, तो r² बराबर 6 cm होगा, इसीलिए r² बराबर 6 cm। r² हम लोग किसको माने थे, गोले की त्रिज्या को माने थे, अर्थात गोले की त्रिज्या बराबर r² बराबर 6 cm आंसर।
इस पर तू टेस्ट करोगे ना, तो इसकी जांच कैसे करोगे, देख ही लो तो तब उतारना। आंसर की जांच करोगे तो एक मॉडल बनाने वाली कंपनी मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 100 सेंटीमीटर वाला शंकु बनाया गया है। तो शंकु का आयतन गोले का आयतन होगा बराबर, तो शंकु का आयतन निकालो कितना होता है। ये टेस्ट कर रहे हैं जांच, आंसर का जांच। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर क्यूब और सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है 1/3। पाई का मान हो गया 22/60, आर का मान तो आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 6×36 वर्ग cm गुने ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 24 cm। अब इसको काट दो, ये हो गया 12। चलो देखो शंकु का आयतन इतना होगा, गुना करके ये हो गया तुमको 4/3 पाई यानी 22/60 आर क्यूब, गोला का आर निकला है 6 सेंटीमीटर, उसका अर्थ हो गया 6 cm गुने 6 cm गुने 6 cm, ये कट गया 3×6 22×44 176 हुआ, इतना गुना करके गुने 36/7 cm घन cm, इसको गुना करके जितना होगा ना 176 को 36 से गुना करोगे, 7 से भाग दोगे तो उतना ही हो जाएगा। ये दोनों को गुना करके जितना होगा दोनों बराबर होगा। टेस्ट कर लेना, हिसाब को समझा तो इसको उतार लो। अगला प्रॉब्लम लंबा है, दूसरे पार्ट में।